शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की अपील पर फैसला महफूज, दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। शहबाज गिल के प्राइवेट हिस्सों पर तशद्दुद किया गया, तस्वीरें दिखा सकते हैं। मजीद तशद्दुद के खदशे को छोड़ा नहीं जा सकता। पुलिस खुद कहती है कि मोबाइल शहबाज गिल के पास नहीं तो फिर जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। शहबाज गिल के वकील के दलाए प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि इस तरह के इंटरव्यू अचानक से नहीं हो जाते। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल पर ज़ेर हिरासत तशद्दुद नहीं किया गया, साजिश के पीछे जो है वो सामने आना चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम, हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख, एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने हिरासत में ले लिया। 12 नोटिस के बावजूद हलीम आदिल शेख बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए, एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम का मौकफ। पाकिस्तान ने दुनिया से कर्ज लेकर उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया, पैदावार और बरामदात बढ़ाने के बजाय दरामदात पर पैसा खर्च किया गया। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल कहते हैं पिछले साल 5,200 अरब रुपए खसारा था, रवां बरस खसारा 4,000 अरब रुपए रहने की तवक्को है। आमदन और अखराजात में तवाजन पैदा करना होगा। तेल की कीमत हुकूमत तय करती है ना मुफ्ता इस्माइल, ये ओगरा का निजाम है। किसी के बयानिए का तेल की कीमत पर असर नहीं होता, जितनी सस्ती बिजली बन सकती थी बना रहे हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मियां साहब इलाज की गर्ज से गए, वापसी का फैसला वो खुद करेंगे। मेरे खिलाफ केस में नैब सबूत पेश कर सका ना ही गवाह। भारत और इसराइली शहरियों से आने वाली रकूम का कौन हिसाब देगा। मुल्क में बहुत कुछ होने वाला है, बड़े फैसले मुतवक्के हैं। सियासी हवाले से अगस्त का महीना अच्छा साबित नहीं हुआ। जैसे पहले इमरान खान लाया गया था, ऐसे ही तेजी से वापस अपनी जगह पर जाएगा। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान कहते हैं -1 पहले भी हुआ है, -2 और -3 के चांसेस हैं। नई तैनाती नया सरप्राइज देगी, कुछ दिनों में नजर आएगा। हो सकता है आम इंतखाबात आइंदा साल अगस्त से पहले हो जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक और एजाज, सिपा सालार का दौरा अमला दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाक अमारात दिफाई तावुन मुश्तरका इकदामात के लिए काविशों को सराहा। कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 213.90 रुपये से बढ़कर 214 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 48 पॉइंट इजाफे से 43,485 की सतह पर ट्रेड। कोरोना के वार तेज होने लगे, कातिल वायरस मजीद 5 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड। 156 मरीजों की हालत तश्वीशनाक।